गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्ते, वेलकम टू द चैनल। छुट्टी है 2-3 दिन की मेरी, तो रैंडम रोड ट्रिप पे निकल रहे हैं। अभी तक का प्रोग्राम है वेलिंगटन टू हैमिल्टन। हैमिल्टन दूसरी सिटी है न्यूजीलैंड की, हम वहाँ तक जा रहे हैं। तो तैयारी पूरी है, गाड़ी में सामान रखते हैं और निकलते हैं। अरे क्या मौसम है, और वो रही हमारी गाड़ी। ये पोरुरुआ का पीपी स्टेशन, हवा भरा दिए, तेल भराएंगे, कुछ खाने के लिए लेंगे और आगे निकलेंगे। आइए 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 आइए। सो अभी खाना चल रहा है, हम डेजर्ट रोड से थोड़े से पीछे हैं। मेरे पास है कड़ी, आलू के परौंठे, और मैंने ली है कॉफ़ी। तो क्या करें ना, इसके बिना दिल मानता ही नहीं है। और ठंडा ठंडा मौसम है, क्या मज़ा आ रहा है, कड़ी और आलू के परांठे और न्यूजीलैंड और आप और हम। तो इंजॉय जम के हो रहा। नेचर से भरा हुआ हमारा न्यूजीलैंड, चिड़ियाँ चिड़चिड़ चिड़चिड़ करती हुई, पत्ते पेड़ों से गिरते हुए, हल्की हल्की बूंदें जमीन में पड़ती हुई, और हम परौंठे और कड़ी जैसे कि मैंने बोला खाते हुए। फटाफट लंच करेंगे, उसके बाद बहुत दूर तक जाना, ड्राइव करते हुए डेजर्ट रोड में मिलते हैं। टोपू पहुंच गया हूं, और 6:18 हो गए, और अभी भी हैमिल्टन यहां से कोई 1.5-2 घंटे लगेंगे। कॉफ़ी ली है, थोड़ा फ्रेशन अप हो जाए। ये बीपी टोपू से 5-6 किलोमीटर बाहर आकर पड़ता है। अगर आप सीधा बाहर से भी अगर वेलिंगटन को या हैमिल्टन को आते हैं, तो ये एक डिवाइडर है राउंड अबाउट। वहाँ से आप हैमिल्टन को चले जाओ, चाहे रोटरुआ को चले जाओ, चाहे वेलिंगटन को चले जाओ, उस तरफ ये बीपी पड़ता है। तो कॉफ़ी ली है और आगे की जर्नी करते हैं। यार अंधेरा हो चुका है बिल्कुल, आई होप सो टाइम का मैं पहुँच जाऊँ। मिलते हैं फिर हैमिल्टन में। तो फाइनली हैमिल्टन पहुँच गए हैं यार, रात के 8 बज गए, और खाना खुना मैंने खा लिया है सिटी में ही। पर सिटी अभी कुछ दिखाई नहीं, क्योंकि रात बहुत हो गई है, अंधेरा है सारा। आपको सिटी में कल सुबह दिखाऊंगा, अभी रूम में आ गया तो रूम दिखाता हूँ आपको। मैं कुछ इस तरह का रूम है, और ये हमारा वॉशरूम, बेसिक सा है सब कुछ, बट काम चल जाएगा। तो आपको कल सुबह मिलता हूँ, और वेलिंगटन सॉरी हैमिल्टन सिटी आपको दिखाते हैं, कल सुबह मिलते हैं।
गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 9:30 हो गए बॉस, और बहुत अच्छी नींद आई कल। इतनी लंबी ड्राइव थी कि पूरी रात नींद नहीं खुली। 10 बजे होटल का ये रूम छोड़ना है, तो 9:30 हो गए। नहाते धोते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपको हैमिल्टन सिटी दिखाएंगे अभी। फिलहाल के लिए व्यू देखते हैं जहाँ मैं रुका था। अरे बारिश हुई है। नहीं, गाड़ी हो रही। शावर के बाद मिलता हूँ, तैयार होके फटाफट और निकलते आगे की तरफ। ये हमारा रूम था। चलते हैं गाड़ी की तरफ। अरे सीढ़ियाँ देखो, रूम की कीज यार हमने दे दी हैं। वो बोल रहे हैं कि मैंने कोई चार्जर चुर्जर छोड़ दिया रूम में, तो वो देखने गए हैं कि मेरा ही चार्जर है, मेरा ही रूम है या किसी और का है। रूम यहाँ पे प्रेटी डिसेंट है। अगर आप आते हैं तो ये अल्सर स्ट्रीट पे अबोट्स नाम है इसका होटल एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर। सो माई डियर फ्रेंड्स, हम पहुँच गए हैं हैमिल्टन में, तिरापा बेस। बड़ी फेमस जगह होगी, और जो हैमिल्टन थे वो सैटरडे संडे आते ही होंगे यहाँ पे। अभी इतना भीड़ नहीं है यहाँ पे क्योंकि वर्किंग आवर्स हैं, तो खुला खुला है। गुड टू बी बैक इन हैमिल्टन आफ्टर सो लॉन्ग अगेन एज यूजुअल। इट्स नाइस। थोड़ा बहुत घूमते हैं, शॉपिंग शॉपिंग कुछ अच्छा लगा तो ज़रूर खरीदेंगे। मौसम भी बहुत अच्छा है और हैमिल्टन तो घर जैसा है। मैं जा रहा हूँ आउटलेट स्टोर पे, देखते हैं कुछ लगा हो कुछ सेल सूल पे तो शायद। हम हैमिल्टन सिटी में, कुछ इस तरह का व्यू है।
सिटी कुछ खामोश खामोश सी है आज, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है एज़ कम्पेयर टू वेलिंगटन। और यहाँ बड़े अच्छे पानी के फाउंटेन्स हैं वाटर के। ऑकलैंड से अगर आपको आना है तो आप बाय ट्रेन आ सकते हैं, बाय बस आ सकते हैं, बाय फ्लाइट आ सकते हैं। अच्छी खासी भीड़ भाड़ वाली सिटी है ये, नॉट एज कम्पेयर टू ऑकलैंड और वेलिंगटन। और यहाँ का जो मौसम है बहुत अच्छा है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड, प्रीटी डिसेंट प्लेस टू लिव। हैमिल्टन सेंट्रल के जो फूड मार्ट है वहाँ पहुँच गए, फटाफट कुछ खाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। मुझे नहीं पता कि आगे व्लॉग बनाने देंगे कि नहीं, तो इसलिए यहाँ पे कैमरा बंद कर रहा हूँ यार। फाइनली यार अपना डिनर हो गया, हैमिल्टन लेक चलता हूँ आपको लेके और दिखाते हैं। बहुत अच्छा है हैमिल्टन लेक, यू नो आप अगर चंडीगढ़ से तो जो लेक है वहाँ पे उस वैसा वैसा ही है कुछ इन्वायरमेंट। ये रही हमारे पीछे हैमिल्टन की लेक, कभी आप हैमिल्टन आए तो आने वाली जगह है, ज़रूर आइए, बहुत अच्छी जगह है, शांति भी है, यहाँ पे कैफ़े भी है तो आप चाय कॉफ़ी कुछ भी ले सकते हैं।